टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवीएस चौराहा, मेरठ। आज मेरठ के कमिश्नरी पार्क के चौराहे पर योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला फूंका गया। काफी देर तक बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन चला और उसके बाद पुतला फूंका गया। पुतला इसलिए फूंका गया क्योंकि रामदेव ने महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम के दौरान औरतों को लेकर बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। रामदेव ने कहा कि औरतें साड़ी में अच्छी लगती हैं और सूट सलवार में भी अच्छी लगती हैं और अगर मेरी तरह कपड़े ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। रामदेव के इन शब्दों से भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय नारी का भी अपमान हुआ है। शेरा जाट ने कहा कि ऐसा बयान भारतीय नारी के प्रति रामदेव की तुच्छ मानसिकता का परिचय है और इस घोर निंदनीय बयान के लिए रामदेव को माफी मांगनी होगी। देखिए प्रदर्शनियों ने पुतला दहन के दौरान क्या कहा। हम यहाँ पे पुतला दहन बाबा रामदेव का करने आए हैं। अभी महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम था बाबा रामदेव का, तो वहाँ पे उन्होंने एक महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि सूट में भी अच्छी लगती हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरी तरह रहें बिना कपड़ों के तो भी अच्छी लगती हैं। आप एक बात बताइए, एक गरिमा व्यक्ति, पूर्ण व्यक्ति हो और वो इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे कि महिलाओं के प्रति कि महिला नग्न अवस्था में रहें तो अच्छी लगेंगी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें पूरे देश में माना जाता है, एक योग गुरु के रूप में देखा जाता है, उसके बाद भी वो महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो भारत की नारियों के साथ में हमारी संस्कृति के खिलाफ में और आने जितनी भी हमारी वीरांगनाएं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उनका अपमान है और उस अपमान के बदले में हम उनका पुतला दहन करने आए हैं और हम अपील करते हैं उनसे कि वो अपनी माफ़ी मांगे। देखिए महाराष्ट्र के कार्यक्रम की वो वीडियो जिसमें रामदेव ने औरतों को लेकर अपमानजनक बयान दिया है। सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूँ, आप हैं बहुत खुश नसीब हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई है। खैर बात ये है, अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।